देखो नारद बातों नहीं आए। कामदेव, सोच रहा हूँ यदि आप अपना काम बाण किसी सुंदरी पर चलाकर देव ऋषि नारद को उसके प्रेम में पागल कर दें, तो समझिए कि आपका कार्य हो गया। लोगों को प्रेम में पागल करना, यही तो मेरा काम है इंद्रदेव। समझ लीजिए, आपका काम हो गया। मेरे नारद नारद, मेरे नारद नारद, मेरे नारद नारद, स्वर्ग की नई अप्सरा जी, आप कौन? मैं कामिनी, मुझे नहीं पहचाना। स्वर्ग की नई अप्सरा, तुम्हारे प्रेम की चर्चा सुनकर तुमसे मिलने आ गई। सुना है नारद से तुम बहुत प्रेम करती हो ना? हाँ, अपनी जान से भी ज्यादा। तुम इतनी सुंदर हो, गुणवान हो, फिर नारद तुमसे प्रेम क्यों नहीं करते हैं? यही पूछना है मुझे उनसे। कहाँ है वो? कामदेव, ये रही कामिनी, अब चलाइए अपना प्रेम बाण। अभी लीजिए देवराज इंद्र। सरा, मैं भी तो देखूं कि नारद कामिनी से क्या कहते हैं। अब आएगा आनंद। आनंद आएगा? एक बार नहीं, 100 बार कहूंगी नारद, मुझे आपसे प्रेम है। पर मैं आपसे प्रेम नहीं करता बहन जी, गुदगुदी हो रही है, दूर रहो। नारद, मैं आपके बिना जी नहीं सकती। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ, अब मरना चाहती हूँ। कामदेव, वो रहे नारद, शीघ्र अति शीघ्र उन पर अपना प्रेम बाण छोड़ें, ताकि वो कामिनी से प्रेम करने लगे। अभी लीजिए देवराज इंद्र। मुझे नहीं खाना। वत्सला, कहाँ थी? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। देवराज, आपने नारद को कहीं देखा है क्या? देखा है प्रिय, अवश्य देखा है। तुम कौन हो प्रिय? क्यों, कहाँ? तुम इसलिए मुझसे नारद का पता पूछ रही थी ना? तुम उसके हृदय में उतरना चाहती थी। और तुम क्या प्रिय प्रिय कर रहे हो? ये है तुम्हारा ब्रह्मचार? बड़े ब्रह्मचारी बने फिरते थे ना तुम, दिखा दिया ना अपना असली रूप। आनंद ही आ गया। आहा, कितना आनंद आ रहा है ना? बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रणाम कामदेव, प्रणाम इंद्रदेव। नारद, दो नारद, ऐसे कैसे? ऐसे मैं बताता हूँ कैसे। जब दानव को देखा हमने भागते हुए, तो हम भागे नहीं, छुप गए, और छुप कर देखा कि वो कामिनी में तब्दील हो गया, और साथ में हमने आपको भी देखा। ये तो अच्छा नहीं है, बहुत ही गड़बड़ हो गई। अगर असली नारद आप हो तो वहाँ पे कौन है? अभी पता चल जाएगा। अच्छा, हमारा असली रूप देखना चाहती है, ये देख। मैं पुष्प चुनने आई थी, लगता है मुझे आ गए सब, मैं जाती हूँ। तुम
तुम यहाँ क्या कर रही हो? परंतु ये राक्षसी कौन है? ये भांबासुरी है, भयानक सुर की पत्नी। अब क्या लेने आए हो नारद? मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। वो तुम्हारा पति है ना, भयानक सुर, वो वहाँ देवलोक पे अप्सराओं के पीछे ऐसे ऐसे लट्टू हो रहा है। उसकी इतनी हिम्मत, मुझे मनाने के बदले वो दूसरी पत्नी ढूंढ रहा है, उसकी खैर नहीं। ऐसा करते हम देवलोक चलते हैं, परंतु हाँ एक शर्त है, तुम्हें मेरा रूप यानी नारद का रूप धरना होगा, अब मना ना करना। चले हाँ, स्वीकार है? स्वीकार है। बस फिर क्या था, इस प्रकार वो मेरे साथ देवलोक आई और नारद बन गई। फिर क्या हुआ ये तो सब जानते ही। तब तो वत्सला ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा होगा। हाँ माती, वत्सला को इंद्रदेव सफाई देते फिर रहे, बड़े आए थे मेरे परम मित्र को फंसाने के लिए, खुद ही फंस गए। वाह वाह, मान गए आपको नारद जी। देखो नारद बातों नहीं आए।